सो गाइस, अगर आप काइन मास्टर ऐप को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं अपने आईफोन या फिर आईपैड डिवाइस में, तो इस ऐप के बारे में पहले आप कुछ बातें जान लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इससे पहले भी गाइस, मैंने काइन मास्टर से रिलेटेड कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी अपने चैनल पर, जिनमें मैंने आपको बताया कि आईफोन या फिर आईपैड डिवाइस में काइन मास्टर में वाटरमार्क को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन गाइस, ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपने आई थिंक थंबनेल में देखा ही होगा, जो कि इसके साइज से रिलेटेड है। तो उससे पहले गाइस आप प्रॉब्लम जान लीजिए एंड ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले गाइस हम आपको सेटिंग में चल के कुछ दिखा देते हैं। अगर यहाँ पे गाइस हम सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद जनरल वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर आईफोन स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो अभी यहाँ पे आप काइन मास्टर का साइज देख पा रहे हैं 44 GB गाइस है, ठीक है, जो कि एक स्मॉल साइज नहीं है। GTA 5 वगैरह जो कि इतने बड़े बड़े गेम, वो भी 30-35 GB में आ जाते हैं, उससे भी ज्यादा यहाँ पे सिर्फ काइन मास्टर ऐप का साइज है गाइस। तो इस साइज को जानने के बाद गाइस, एक चीज तो आपके मन में क्लियर ही हो जाती होगी कि अगर आप 64 GB का आईफोन या फिर आईपैड यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप काइन मास्टर यूज करते हैं, तो फिर 44 GB तक का तो यहाँ पे काइन मास्टर ही आपके उसमें साइज ले लेगा। फिर उसके बाद आपके आईफोन में स्टोरेज बचेगा ही कितना, उसके बाद तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपको वीडियो को शूट करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, फिर आपके लिए स्टोरेज बच ही नहीं पाएगा गाइज, ठीक है। तो अगर गाइज आप एक iOS डिवाइस ले रहे हैं, उसमें आप काइन मास्टर ऐप यूज करने का सोच रहे हैं, तो फिर 64 GB वेरियंट लेना ही मत गाइज। अगर 64 GB ले लेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए गाइज मैंने यहाँ पे 128 GB वेरियंट परचेस किया था। मतलब आईफोन डिवाइस हो या फिर आईपैड डिवाइस हो, अगर वो 64 GB का है एंड आप उसमें काइन मास्टर ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो एकदम से तो यहाँ पे इसका साइज 44 GB नहीं हो जाएगा। बस धीरे धीरे यूज करते 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 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो साइज है 44 GB हो गया, और ये मेरा यूज करते करते 1 ईयर प्लस हो चुका है। तो 64 GB वेरियंट के लिए तो काइन मास्टर ऐप बिल्कुल भी मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पास कोई PC या फिर कोई लैपटॉप है, तो उसमें आप अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, तो फिर 64 GB का वेरियंट आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपने आईफोन डिवाइस में या फिर आईपैड डिवाइस में काइन मास्टर ऐप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास PC या फिर लैपटॉप नहीं है, आप अपने फोन में ही एडिटिंग करना चाहते हैं काइन मास्टर ऐप से, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे गाइस काइन मास्टर ऐप जो थोड़ा बहुत स्टोरेज कवर करके रखता है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक ट्रिक है जिसमें जो काइन मास्टर ऐप में थोड़ा बहुत स्टोरेज कवर रहता है, उसको आप फ्री कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस काइन मास्टर ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है गाइस, ठीक है, इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड इनको यहाँ से डिलीट कर देना है। इनको यहाँ से डिलीट गाइस अगर आप कर देंगे, तो जो काइन मास्टर ऐप में ये जो थोड़ा बहुत साइज यहाँ पे कवर कर रखा था, वो यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो इसके फ्री होने से गाइस क्या होगा कि आपका जो आईफोन का स्टोरेज है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन गाइस वहां से डिलीट करने पे, अभी इससे पहले हमारा जो स्टोरेज था गाइस वो 99 GB के आसपास था, लेकिन अभी यहाँ पे देख पा रहे 94 GB हो गया है। तो वहां से डिलीट करने पे गाइस काफी ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। एंड वहां से अगर आपके पास काफी सारी फाइलें क्रिएट हो गई होंगी, अगर आप डिलीट कर दें, तो यहाँ पे आपका स्टोरेज काफी ज्यादा फ्री हो जाएगा। और भी कुछ बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन जो ये एक मैंने प्रॉब्लम बताई है, ये बेसिकली 64 GB वेरियंट के लिए बताई है। जो लोग वीडियो एडिटिंग के लिए आईफोन या फिर आईपैड परचेस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं 64 GB में, उसी में वो एडिटिंग कर लेंगे अपनी काइन मास्टर डिवाइस का यूज करके, तो उनको गाइस आगे चल के ये स्टोरेज वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को बनाने के मेरा यही मकसद था कि अगर आप लोग अपनी आईफोन डिवाइस में एडिटिंग के लिए काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप 128 GB या फिर उससे ज्यादा ही लेना, ठीक है, 64 GB मत लेना, नहीं तो आपको ये स्टोरेज वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।